दिन दहाड़े लूट की घटना को दो अपराधियों ने दिया अंजाम। लूटे गए सामग्री के साथ दोनों अपराधी गिरफ्तार। कृत्याना नगर थाना क्षेत्र के बेलारिकागंज पंचायत के वार्ड संख्या 15 स्थित बीबीगंज बागमारा गांव में दिन दहाड़े हथियार का भय दिखाकर अकेली महिला का हाथ रस्सी से बांध तथा मारपीट कर घर से नकदी राशि और जेवर लूटने वाले दो अपराधी को पुलिस ने एक जिंदा कारतूस एवं लूटे गए कुछ गहनों के साथ गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम धीरज कुमार यादव 36 वर्ष के नगर थाना अंतर्गत बिठनोली पूरा पंचायत के वार्ड संख्या 12 निवासी बोनी यादव का पुत्र बताया जा रहा है तथा परोरा पंचायत के वार्ड संख्या 2 रामपुर 3 घड़िया टोला ननिहाल से एक एंड्रॉइड एवं एक साधारण मोबाइल के साथ गिरफ्तार 28 वर्षीय अपराधी का नाम अर्जुन कुमार सिंह बेगूसराय निवासी हीरा सिंह का पुत्र बताया जाता है, जो के नगर रेलवे स्टेशन के समीप अपने मामा शंकर सिंह के घर रह रहा था। गौरतलब है कि बीते बुधवार को दिन के करीब 10:40 में अपराधी हथियार एवं चाकू लिए अचानक घर में घुसा और अकेली महिला कुमारी नूतन 27 वर्षीय का हाथ उलटा कर पीठ के तरफ से बांध कर रस्सी से मारपीट कर जख्मी करते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया था। पीड़ित महिला के पति चंदन कुमार शर्मा ने घटना को लेकर पुलिस को दिए आवेदन में कहा है कि अपराधियों ने घर के गोदरेज से 20,500 रुपये नगद, सोने का मंगलसूत्र 8 ग्राम, सोने का चैन 10 ग्राम, सोने का कान वाली 8 ग्राम तथा 300 ग्राम वजन का एक जोड़ा पायल लूट लिया। कहा गया है कि लूट के बाद भाग रहे अपराधियों को पकड़ने के लिए उसकी पत्नी ने शोर मचाया और आवाज़ सुन ग्रामीण समीर कुमार पास के पड़ोसियों के साथ दौड़कर घटनास्थल पहुंचे तथा महिला को बचा एक अपराधी धीरज कुमार यादव पिता बोनी यादव को पकड़ लिया, जिसे पूर्णिया गश्ती पुलिस ने केनगर पुलिस को सुपुर्द कर दिया, जबकि अपराधी अर्जुन कुमार भाग निकला। पुलिस ने अपराधी धीरज के पास से एक सोने की अंगूठी, सोने के मंगलसूत्र का एक लॉकेट, 9 mm का एक जिंदा कारतूस, एक चाकू तथा 2 जोड़े चांदी का पायल बरामद किया है। बताया जाता है कि धीरज अपने ससुराल बागमारा में रहकर मजदूरी करता था। केनगर पुलिस पदाधिकारी चंद्रकिशोर सिंह ने बताया कि घटना की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और फरार एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है तथा आवश्यक कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधी को जेल भेज दिया गया है। आइए देखते हैं इस खबर में। आज तो जो है मेरे घर पे 10:30 करीब 10:40 के आसपास जो है दो अज्ञात व्यक्ति घर में घुस गया था, जिसके पास जो है धारदार हथियार था, कारतूस था और क्या कहते हैं जो भी था वो सामान सब सारा जो है मेरी वाइफ को गले पे सटा करके लेके गया। भागने के क्रम में पता चला वो लोग जो मोहल्ला के द्वारा जो हल्ला किया गया मेरी पत्नी के द्वारा, तो जो पकड़ा मोहल्ला वाला उसका नाम बताया गया है, एक का नाम बताया गया है धीरज कुमार जिसका पिता बानो यादव है बोनी यादव, और एक जो उनका साथी अन्य भाग गया है उसका नाम अर्जुन कुमार है अर्जुन कुमार सिंह, और जो कि यहाँ के नगर में ही अपने मामा के यहाँ रहते हैं। आपके घर से क्या क्या अभी तक आप आकलन किए हैं कि क्या क्या सामान निकला? मेरे घर से जो है जेवरात लेके भागा हुआ है। क्या लमसम क्या अनुमानित राशि रहा होगा? जो अनुमानित लगभग 1.5 लाख का लमसम लेके भागा। आज जो आपके पत्नी थी उनकी क्या स्थिति है, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ? बनी हुई है वो हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल में भर्ती है। इसके लिए थाना में आवेदन दिए गए हैं, प्रशासन की ओर से दिया गया है उसको आश्वासन कि सब कार्रवाई किया जाएगा उसको। क्या परिचय आपका? मेरा नाम चंदन कुमार शर्मा है। क्या नाम है? चंदन कुमार शर्मा। घर? घर यही बागमारा। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 15। उसके बाद हाथ पर हाथ बांध लिया, गला में चाकू लगी गया, बोला जब सामान सब निकालो तब सुन तो काट देंगे गला। हम नहीं दे रहे थे चाबी, तो एक बंदूक से हुआ हमारा, उससे गला में दबे लेते तब हम चाबी दिए, सारा सामान निकाला, उसके बाद जितना पैसा साथ था उतना दिए, बोला और पैसा निकाले, बोले भैया पैसा नहीं है, तीनों पैसा है, बोला नहीं दोगे तो मार दे, बहुत हाथ पैर जोड़ रहे थे।
तब जाके जल्दी से फिर हमको बांध दिया, मुंह में कपड़ा डाल के छोड़ दिया, वो अपना छत से निकल गया। बाहर मुंह से कपड़ा किसी तरह निकाले, बाहर का गेट खोले, मुंह से बाहर निकले, शोर मचाए, तब सब देखा। मेरा पड़ोसी था, हम उसको नहीं पहचान, बस दो था। हाँ, चोट लगा कैसे लगा? पब्लिक से पिटा। क्यों पिटा? गलत काम किया। कहाँ पर? बंगवाला में। क्या दो क्या घटना को अंजाम दिए थे? घर में चोरी करने पहले से प्लानिंग था? जी नहीं। वहाँ पड़ोस में काम भी करते थे? जी। दूसरा कौन था? एक और था। एक और क्या नाम? मेरा धीरज कुमार, के नगर। वार्ड नंबर 12, पंचायत के नगर किए थे? मजबूरी हालात में मैंने मजबूर होकर, कोई लाचार नहीं दिखाई दिया तो मैंने मजबूरी और चोरी करने की कोशिश की। क्या क्या मजबूरी था? मजबूरी था, हम बीमारी करने से। किसको, कौन बीमार है? उसी के लिए। और कोई कभी आश्चर्य कर कुछ नहीं किए, नशा उशा कर दिए नहीं कभी आश्चर्य। वहाँ पब्लिक पकड़ा था? पकड़ा, बहुत ज़्यादा खुशी था, 100 आदमी ज़्यादा ही। जब निकल गए थे तब पकड़ा था? पे अगर लेडीज पुलिस नहीं आती, संस्था नहीं आती, एक तो दो वाले नहीं आते तो उनको मारते, मार देता। कितना लोग था वहाँ? 100 आदमी। तो पकड़ाया कैसे, जब बाहर निकला तब पकड़ाया? पकड़ाया नहीं, मतलब कोई पीछा करते हुए आया, पकड़ा आगे। वहाँ पे एक डिप्पू वाला थे, इटावल में डिप्पू वाला थे, वो बचाया, बालू घाट का एक और आदमी था, वही दोनों मिट्टी हमको बचाया, तब फोन किया प्रशासन आया। कुल कितना आदमी थे? दो आदमी। एक आप एक जो फरार है? हाँ।